हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था एक जनरल कार्ब कैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बीन, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया था कि आखिर ये स्पीशीज बनती कैसे हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नेचर में कैसे बनते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इनका शेप क्या होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये जो अनस्टेबल स्पीशीज नेचर में बनती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन वो वहीं कंज्यूम हो जाती हैं। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी कि ये आखिर होती क्या है। अब इस पे इफ़ेक्ट्स लगाने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो आज हमारा टॉपिक वही है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमें पढ़ना एक्चुअली यही था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, पर ये अप्लाई किस पर होता है वो हमने स्पीशीज़ पहले डिस्कस करी। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कई बार केमिस्ट्री के अंदर जो टर्म्स होती हैं काफ़ी भारी भारी टर्म्स होती हैं, ऐसा लगता है यार ये टर्म का मतलब क्या है। टर्म बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मूव करना, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। आखिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, इस बात को पहले एक जनरल आइडिया लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने रिएक्शन कराई HCl की NaOH के साथ में। जब हमने रिएक्शन कराई तो सभी बच्चे जानते हैं कंपाउंड बनता है NaCl और पानी। दस क्वेश्चन इज कि क्यों बनता है, अरे H पर प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, H प्लस OH के साथ जुड़ेगा, Cl माइनस Na के साथ जुड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपको ये नहीं पता है, मैं कोई एक नया कंपाउंड बना देता हूँ AB और मैं उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि A जुड़ेगा Na के साथ या B जुड़ेगा। वी कैन नॉट डिटरमाइन विदाउट नोइंग कि ए पर प्लस है या बी पर प्लस है। तो ये तब पॉसिबल है जब ए और बी के बीच के जो इलेक्ट्रॉन का जो एक क्लाउड है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, आपको ये मालूम हो कि वो ए की तरफ है या बी की तरफ है। सर ये चीज़ तो हमें वैसे ही पता लग सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें तब पता लग सकती है जब ये दो एटम्स ही हो। लेकिन अगर ये दो ग्रुप्स हुए तब, जैसे कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का कोई एग्जाम्पल लिया, तब अगर मैं अब बोलूं कि मेरे पास कोई H प्लस है या मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा या वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, H प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो H इस वाले तरीके यहां से अटैक करेगा कि यहां से अटैक करेगा, ये हम नहीं समझ सकते। इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास डिटेल में एक टॉपिक आता है, नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। अब ये बात भी समझने की है कि आखिर ये टेम्परेरी और परमानेंट क्यों होते हैं। मैं क्लासिफाई करता हूं इसको दो पार्ट्स के अंदर, एक जिसको अपन ने कहा टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो पहले अपन ने यहां लिख लिया परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा टेम्परेरी इफेक्ट। एक टेम्परेरी हो गया, एक परमानेंट हो गया। परमानेंट इफेक्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं उसमें पहला हमारे पास आता है इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमारे पास आता है दैट इज रेजोनेंस, या इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरह से टेम्परेरी इफेक्ट जो हमारे पास होते हैं उसमें पहला हमारे पास है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दो हो गए। पॉइंट सबसे पहला डिस्कस करने के लिए ये है कि वाई परमानेंट एंड वाई टेम्परेरी, व्हाट डज इट मीन परमानेंट इफेक्ट एंड व्हाट इज टेम्परेरी इफेक्ट। चलो डिस्कस करते हैं बोर्ड पर। एक एग्जांपल लेता हूं, क्या आप जानते हैं कि Br2 के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों Br से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, तो क्या ये स्पीशीज एक नॉन पोलर स्पीशीज हो गई। इसी तरह से मेरे पास आता है HCl, HCl में इस पर डेल्टा माइनस इस पर डेल्टा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्लोरीन के पास होता है, तो ये स्पीशीज पोलर है। क्या आप ये कह सकते हैं ये नॉन पोलर है? हाँ सर, ये क्या है? पोलर। तो ये हमेशा है,
ये हमेशा नॉन पोलर है, हमेशा पोलर है, ऐसे ही कहेंगे हम, हमसे पूछेंगे Br2 क्या है, हम बोलेंगे नॉन पोलर। अगर हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है SO2, तो हम SO2 के एग्जांपल की बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे पोलर, हम एग्जांपल लेते हैं SO3 तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो कोई पोलर है कोई नॉन पोलर है और वो है, दैट इज फिक्स्ड, क्लियर। अब ये जो फिक्स्ड चीज है अगर ये चेंज हो जाए एक्सटर्नल कोई फोर्सेस के लगने से, तो वो जो चेंज आया दैट इज टेम्परेरी, बिकॉज जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्सेस रिमूव होंगे चीज चली जाएगी। लेकिन जो चीज परमानेंटली, ये नॉन पोलर होना पोलर होना, नॉन पोलर होना नॉन पोलर होना, ये परमानेंट इसका एक करेक्टरिस्टिक है, दैट इज परमानेंट इफेक्ट। अब अपन क्योंकि वर्ड बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि मूवमेंट होना, तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया तो दिस इज, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस के कारण हुआ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ गया, दिस इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल रिएजेंट से कुछ होता तो वो टेम्पररी प्रॉपर्टी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए जरा बोर्ड पर, मेरे पास एग्जांपल है, मैंने एक कंपाउंड ले लिया या एक नॉन पोलर स्पीशीज ले ली, ये स्पीशीज है कोई नॉन पोलर, और इस नॉन पोलर स्पीशीज में मैंने कोई कैटायन डाल दिया, ये कोई आयन डाल दिया, क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मूव करवा लेगा, क्या इधर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया और ये पॉजिटिव, क्या ये आयन है और ये डाइपोल है, दिस इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या बताइए इस आयन ने इसमें चार्जेस डेवलप कर दिए इस आयन के आने कारण, अगर इस आयन को हम वापस से रिमूव कर देते हैं क्या ये वापस नॉन पोलर हो जाएगा, तो आयन की प्रेजेंस में चार्ज इंड्यूस हुआ और आयन को हटाते चार्ज वापस हट गया, सो इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। जबकि ए बी इज अ मॉलिक्यूल विच इज परमानेंटली पोलर, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मॉलिक्यूल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है सो परमानेंट इफेक्ट। तो अगर मैं बहुत क्रिस्प नेचर में इन दोनों को कहना चाहूं तो परमानेंट इफेक्ट क्या है, परमानेंट इफेक्ट विच आर द इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ द इनसाइड द मॉलिक्यूल इज परमानेंट। लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट क्या होंगे, द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज इज नोन एज टेम्परेरी इफेक्ट। अब हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो आप देखते जाइए। हमारे पास ऑर्गेनिक के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम तीनों इफेक्ट को एक एक लेकर चलेंगे, दैट इज इंडक्टिव, देन उसके बाद हम लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, या पहले रेजोनेंस ले लेंगे फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देखते हैं। बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम यहां पर बात करके चलते हैं, पहला टॉपिक हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये पहला, नाम से पता लग रहा है इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब इंडक्शन, तो सबसे पहले मैंने यहां पर यही पॉइंट लिखा, दैट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये अपन फिजिक्स में वर्ड पढ़ते हैं कि कोई एक स्फेयर है, ये कोई नॉर्मल मेटेलिक स्फेयर है, और अगर हम उसके पास में कोई चार्जेस को लेकर आते हैं तो क्या इस स्फेयर के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, दिस इज इंडक्शन। ये जो चीज है यही क्या कहलाती है, इंडक्शन, और ये इंडक्शन हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ने वाले। सर इसका मतलब तो ये टेम्परेरी हुआ क्योंकि चार्ज के आने से ऐसा हुआ, हाँ ये इफेक्ट जो कि बाहर से हमने कोई चीज को इंट्रोड्यूस किया तब तो ये टेम्परेरी हुआ, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट हो जाता है, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट है। यहां पर फिजिक्स में कोई चार्ज इंट्रोड्यूस करने के कारण ऐसा हुआ तब हम इसको टेम्परेरी बोल रहे हैं, लेकिन जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या अपन सिंपल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडक्शन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो गया, इसीलिए हम लोग इस एग्जांपल को इस तरह से डील करते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और स्पेशली सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन सा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू डिफरेंस इन जेड इफेक्टिव, एक वर्ड मैंने यहां पे दे दिया जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव बहुत कारण से डिफरेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंट हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होने से हो सकता है, साइज डिफरेंट होने से हो सकता है, और भी एटसेट्रा, देयर आर सेवरल रीजन फॉर डिफरेंस इन जेड इफेक्टिव।
अगर जेड इफेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट होगा। ठीक है, देखा जाए तो एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, बड़ा इजी सा एग्जांपल है। बताइए कार्बन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? सबको मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन पे डेल्टा प्लस और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा पॉजिटिव। अगर इस पे डेल्टा माइनस आया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया, क्यों आया? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्लोरीन का ज्यादा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर गया किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। बस यही खत्म हो जाती थ्योरी तो, लेकिन अगर यही खत्म होती तो फिर इसको इंडक्टिव इफेक्ट ना बोल के हम सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देते। आखिर चक्कर क्या है मैं बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है इसको समझना, ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से क्या जेड इफेक्टिव बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से क्या हुआ? जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर बढ़ जाएगी तो ये इधर उधर देखेगा, इधर उधर के अंदर सबसे पहले क्लोरीन की तरफ देखेगा, क्लोरीन बोलेगा है तो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? नहीं, तो कार्बन नहीं खींचेगा। हाइड्रोजन की तरफ देखेगा, हाइड्रोजन गरीब सा, बोला मेरे पास है क्या तो तुमसे लेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उससे पुल करने की टेंडेंसी बहुत कम है, वो तो ऑलमोस्ट वैसे भी कार्बन के पास ही रहता है। क्लियर है? आगे चलें तो हमारे पास इस कार्बन पे उसकी नजर जाएगी, क्या इस कार्बन से उसकी खींचने की टेंडेंसी रहेगी? रहेगी, बट क्या उतनी ही रहेगी जितनी पावर से क्लोरीन ने खींचा था? नहीं, थोड़ी कम रहेगी। तो अगर पावर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, लेकिन कम खींचेगा। यहां पावर काफी ज्यादा है, यहां पावर उसके मुकाबले काफी कम है। तो बताइए क्या इस पे चार्ज आएगा, लेकिन क्या उतना ही चार्ज आएगा या थोड़ा कम चार्ज आएगा? नहीं, पार्शियल का भी पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर ऐसा है तो बताइएगा क्या जितना पार्शियल पॉजिटिव यहां आया उतना क्या पार्शियल नेगेटिव यहां कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आने लगा उतना वहां से कम हो गया। अब अगेन ये भी एक तरह की क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये आगे से पुल करेगा डेल्टा 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 पॉजिटिव, ये पुल करने की पावर और कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी कम है, इसकी पुल करने की पावर और कम है, ये और कम खींचेगा तो डेल्टा 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 पॉजिटिव। क्या जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही है क्या कि सर इतनी कम खींचने की पावर है? यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खींचने की पावर धीरे 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 करके कम होती जा रही है। इसीलिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस? क्या डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाए? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और एक सीके इनगोल्ड साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया, उसने एक थ्योरी में कहा कि यह ऑलमोस्ट काफी हद तक 4 कार्बन तक मतलब देखा जा सकता है, 4th कार्बन के बाद ये नेग्लिजेबल हो जाता है। लेकिन अब IIT में क्वेश्चन आए या किसी भी जगह पर हमारे पास क्वेश्चन आए और हमारे को 5वें कार्बन पे कोई ग्रुप लगा के दिया हो और किसी में 4 कार्बन पे लगा कर दिया हो, तो दोनों में इक्वल नहीं होता है, ये मान के चलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा तो कंपेयर किया जा सकता है, पर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो ये हमारे पास सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहां तक ट्रेवल कर गया? दिस इंडक्शन ऑफ चार्ज इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। एक और चीज बता देता हूं कि जितना नेगेटिव चार्ज है उधर उतना ही सम है टोटल पॉजिटिव चार्ज का, ये वाला प्लस डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव प्लस डेल्टा 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 पॉजिटिव प्लस डेल्टा 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 पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो टोटल चार्ज नेगेटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। दिस इज सिंपलेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको यहां पर 2 इफेक्ट नजर आ रहे हैं, क्या क्लोरीन खींच रहा है और कार्बन पुश कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली कहूं तो मुझे ये डोनेट और विड्रॉ ये शब्द में से ज्यादा अच्छा शब्द लगता है इलेक्ट्रॉन पुल और पुश, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेशन वर्ड के अंदर बच्चा इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है, पूरी तरह दे देता है। क्या ये पार्शियल सिर्फ इलेक्ट्रॉन सरक रहे हैं या दिए जा रहे हैं? सरक ही तो रहे हैं, ये पार्शियल डोनेशन है, ये पार्शियल मूवमेंट है, इसलिए डोनेशन वर्ड कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं इसके लिए जो वर्ड काम में लेता हूं इलेक्ट्रॉन पुल और पुश। तो देखा जाए तो मेरे पास यहां 2 चीजें आई कि इसकी हेडिंग अपन ऐसे डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 तरह का हो सकता है,
क्या आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, एक तो हो गया प्लस आई और एक क्या हो गया माइनस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करना, इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इलेक्ट्रॉन पुशिंग, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन को पुल करना, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पुलिंग। यहां पर इलेक्ट्रॉन को पुश करा, इलेक्ट्रॉन दिए, वहां इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, इलेक्ट्रॉन पुलिंग। एग्जाम्पल लेता हूं, अभी आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। ये पहले वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मेरे पास आ गया CH3CH2Cl, पहला एग्जाम्पल लिया। क्या यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो ये माइनस आई, जबकि ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो गया प्लस आई। और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह का आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। बहुत सिंपल सी नॉलेज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है भाई, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में अब की बार इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव, उल्टा लिखा, अरे 100%। क्या इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन sp3 से sp2 की तरफ जाएगा, तो इस जगह पर क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस जगह डेल्टा पॉजिटिव। तो बताइएगा, इसने पुल किया तो ये माइनस आई, इसने पुश किया तो ये प्लस आई। और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, देखते जाइए। मेरे पास अगला एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, ये मैंने एक बेंजीन रिंग बना ली और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया। सेम क्वेश्चन जो हमने यहां लिखा, क्या बताइए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपके सामने है कि कौन प्लस आई और कौन माइनस आई। सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं कि ये जो बेंजीन है दिस इज माइनस आई पुलिंग, और जबकि ये CH3 है दिस इज प्लस आई। इजी है। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल आ गया कि ये एक बेंजीन है, मैंने यहां पर NH2 ग्रुप लगा दिया। क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो इसीलिए ये तो हो गया माइनस आई और ये कैसा हो गया प्लस आई। क्या आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने 3 और 4 में समझाने की कोशिश करी। जरा आप बोर्ड पर देखें कि एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में डिफरेंस क्या है। क्या एग्जाम्पल नंबर 3 में बेंजीन रिंग माइनस आई है ना, और एग्जाम्पल नंबर 4 में बेंजीन रिंग क्या प्लस आई हो गई क्या? ओहो, तो हम क्या चीज समझे, क्या हम चीज समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ रिलेटिव फिनोमेना। क्या है ये रिलेटिव फिनोमेना, मतलब अ ग्रुप कैन बी प्लस आई और दैट ग्रुप कैन ऑल्सो बी माइनस आई डिपेंडिंग ऑन द अदर ग्रुप टू विच इट इज अटैच्ड। क्या बेंजीन रिंग इस पहले वाले एग्जाम्पल में माइनस आई थी क्योंकि सामने वाला पुश कर रहा था तो ये पुल कर रही थी, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग प्लस आई हो गई क्योंकि सामने लगा है NH2, वो NH2 माइनस आई, तो बेंजीन क्या हो गई प्लस आई। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडक्टिव जो कि मैंने समझाई। अब मैं आपको, कोई प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा या पुल करेगा, उस पर एक क्वेश्चन कराता हूं। अपन बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे और आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद ये डिसाइड करिएगा कौन प्लस आई कौन माइनस आई, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले इसको आप कॉपी करिए, जो ये मैंने लिखवाया रिलेटिव फिनोमेना तक, आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे।